जम्मू कश्मीर में दो जगहों पर मुठभेड़ जारी है। पुंछ में लश्कर के तीन आतंकियों को घेरा गया। किश्तवाड़ा में जैश के तीन आतंकी घिरे हैं। सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेरा। दोनों तरफ से गोलीबारी के बाद आतंकियों की घेराबंदी हुई। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पूरा मामला पुंछ का है, जहां लश्कर के तीन आतंकियों को घेर लिया गया। किश्तवाड़ा में जैश ए मोहम्मद के तीन आतंकी घिर गए। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेरा। इन दिनों सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निसार अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, कब ये घटना हुई और किस समय ये मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच, और गोलीबारी किसकी तरफ से शुरू की गई थी? जी देखिए माधुरी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो कल से ही यहाँ पे, कल दो दिन पहले से ही यहाँ पे एनकाउंटर का सिलसिला एक बार शुरू हुआ है। खासकर जो कश्मीर खिते में जिस तरह से जो बारामूला में एनकाउंटर हुआ था, उसमें फौज को काफी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें तीन आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। उसके बाद जम्मू खिते की बात की जाए तो जम्मू खिते में इस वक्त चार जगहों पे अलग अलग एनकाउंटर चल रहे हैं, जिसमें मेंढर सेक्टर है, नौशहरा सेक्टर है, राजौरी और किश्तवाड़ सेक्टर है। किश्तवाड़ सेक्टर में तीन दिनों से लगातार जो सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर बदस्तूर जारी है। अगर मेंढर सेक्टर और नौशहरा सेक्टर की बात की जाए तो वहां पे कल शाम से जो एनकाउंटर शुरू हुआ था, वहां पे मेंढर सेक्टर में कुछ शुभ हुआ कि वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई जो वहां पे घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, तो उसको रोकने के लिए, उसको रुकावट बनने के लिए वहां पे फौज पूरी तरह से चौकन्ना हो गई है, तैयार हो गई है। और वहां पे जो टेररिस्ट आ रहे, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन पर फायरिंग की, जिस दौरान वहां पे जो मिलिटेंट्स आ रहे थे उनमें काफी हलचल पैदा हो गई और वो वापस चले गए थे। जिस दौरान वहां पे ये भी बताया जा रहा था कि जिस दौरान वहां पे जब फायरिंग का बादला हुआ दोनों साइड से, तो वहां पे एक जेसीओ जो फौज का एक जेसीओ जख्मी हुआ था, जिसको मामूली चोटें लगी थी। उसके बाद जिस तरह से मेंढर की बात की जाए तो मेंढर में भी कल शाम से एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है। वहां पे कुछ मेंढर के जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे जब सिक्योरिटी फोर्स को एक पक्की इतला मिली कि वहां पे कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, तो वहां पे जब फौज पहुंची तो वहां पे मौजूद मिलिटेंट्स ने फौज को टारगेट बनाने की कोशिश की। इस दौरान वहां पे दूसरा एनकाउंटर शुरू हुआ है। और तीसरा जो यहाँ पे सबसे अहम बात यहाँ पे सामने आती है कि किश्तवाड़ इलाके में जिस तरह से जो तीन दिनों से वहां पे लगातार सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू जारी है, वहां के जो अपर रीचेस है फॉरेस्ट के, वहां पे पूरी तरह से जो फौज वहां पे पहुंची है, उस अपर रीचेस पे जहां पे मिलिटेंट्स ने अपनी जगह बनाई थी, पना बनाई थी, वहां पे पहुंच गई है और वहां पे पूरी तरह से जो सर्च ऑपरेशन वहां पे जारी है। वहां पे ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो फौज के जो डॉगर्स होते हैं वो भी वहां पे तलब किए गए हैं। और पूरी तरह से जो फॉरेस्ट का एरिया है, खासकर अगर बात की जाए तो जो जम्मू से लेकर पीर पंचाल तक का जो बॉर्डर रास्ता आता है, जो एक पहाड़ी क्षेत्र आता है, जंगल है, वहां पे पूरी तरह से इस वक्त जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें लश्कर तैयबा और कश्मीर टाइगर सरफरस्त है, उन्होंने वहां पे पूरी तरह से कहीं कहीं मुकाम पर अपनी जगह बनाई, अपने पना बनाई है। और वहां पे कहीं एक दो मुकाम पर उन्होंने हाइड्स भी बनाए हैं, जहां पे वो जो सिक्योरिटी फोर्स को टारगेट बनाकर, निशाना बनाकर उन्हीं हाइड्स में छुप जाते हैं। जहां पे पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जो फौज है उनको काफी वहां पे दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ता है। एक तो वहां पे घना जंगल है, दूसरी तरफ से वो काफी जो हायर रीचेस है पहाड़ के, वहां पे अगर जो फौज की जो पहुंच है वो काफी मुश्किल नामुमकिन है। लेकिन उसके बावजूद भी अब मजीद जो जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ड्रोन इस्तेमाल करके वहां पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर एक बार फिर जो आतंकी के जद में आया है, कई टेररिस्ट अटैक्स भी यहाँ पे हो रहे हैं, कई हमले भी हो रहे हैं, एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं। बिल्कुल निसार, क्योंकि इन दिनों देखा जाए तो ऐसी कई खबरें सामने आई जहां पर हमने देखा इस तरीके की मुठभेड़ हुई और आतंकियों के छिपे होने की खबरें भी सामने आ रही है। ऐसे में सुरक्षा बलों की ओर से तमाम सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।